Recording in progress. So I welcome all of you for this discussion today on the topic, if God is one, why so many religions? So, अगर भगवान एक है तो इतना सारा धर्म क्यों है इस दुनिया में? So, we'll see many interesting things in this discussion. तो अगर भगवान ने इतना रिलीजियन बनाया है तो उस रिलीजियन में कॉमन क्या है? Are all paths right? Do all paths lead to the same goal? Why there are different forms of worship and rituals? और सभी धर्मों का क्या कोई अल्टीमेट गोल है? सो हम लोग इसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं भगवद गीता क्या बोल रहा है. So the Bhagavad Gita is telling a very important shloka, 9th chapter, 25th verse. Yanti deva vatra deva pitrin yanti pitrivrata bhutani yanti bhutejya yanti madhyajino apima. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors. And those who worship me, that is Krishna here in the Bhagavad Gita, will live with me. So here in this Bhagavad Gita, this shloka, it is very clear that it is not that whoever we worship, the destination is the same. So all paths do not lead to the same destination. One cannot think whoever I worship, it will ultimately lead to God. No, it is not so. Just like a train, कोई दिल्ली जाना चाहता है तो कोई दिल्ली अगर जाना चाहता है तो वो अगर वो मुंबई का ट्रेन में बैठ जाएगा तो वो दिल्ली नहीं जा पाएगा. मान लीजिए किसी को कोलकाता से दिल्ली जाना है, सो ही हैज टू कैच दैट ट्रेन विच विल गो फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, नॉट फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई. सो यहाँ पे क्लियरली भगवद गीता बता रहा है कि जो देवी देवताओं का पूजा करता है वो उस लोक में जाएगा जहां पे देवी देवता रहता है, वो पर्टिकुलर देवी देवता रहता है जिनको पूजा कर रहा है. कोई भूत प्रेत का पूजा कर रहा है तो उस लोक में जाएगा जहां पे भूत प्रेत रहता है. कोई पितृ पुरुष का पूजा करता है, एंसेस्टर्स का पूजा करता है तो वो एंसेस्टर्स के पास पितृलोक में जाएगा. So the destination is different. The destination is according to the worship. तो जो प्रमुख धर्म है इस दुनिया का, whether it be Christianity, whether it be Muslim, whether it be Hinduism, whether it be Sikh or any Jews, any religion, major religions, they are all talking about one common thing, and that is the ultimate thing, that is to love and serve God. तो भगवान छोड़ के, भगवान को छोड़ के कोई रिलीजियन हो नहीं सकता. इफ समवन इज डिफाइनिंग एनी रिलीजियन व्हिच इज विदाउट गॉड, देन दैट रिलीजियन इज नॉट रिलीजियन. सो रिलीजियन मींस गॉड एट द सेंटर एंड द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल रिलीजियंस इज टू लव एंड सर्व गॉड. So,
अगर हम लोग दुनिया का जो मेन मेन रिलीजियंस है, मेन मेन जो धर्म है, उसको अगर उसमें कुछ कॉमनलिटी निकालते हैं, इफ वी फाइंड आउट सम एसेंशियल कॉमन थिंग्स अमंग ऑल द मेजर रिलीजियंस ऑफ दिस वर्ल्ड, देन यू विल सी दैट दिस फोर थिंग्स आर कॉमन. सो द फर्स्ट थिंग इज गॉड इज वन. सो नाउ भगवान एक ही है. नाउ वन में क्वेश्चन, अच्छा हिंदुइज्म में तो बहुत सारा भगवान बोलता है. नो, इन द वेदास ऑल्सो द गॉड द सुप्रीम लॉर्ड इज वन पर्सन, दैट इज ओनली स्टेटेड. अनफॉर्चुनेटली इट्स द मिसकॉन्सेप्शन दैट द हिंदूज थिंक दैट देर आर मेनी सुप्रीम लॉर्ड्स. नो, गॉड अल्टीमेट सुप्रीम लॉर्ड इज वन ओनली, एंड द वेदास इज ऑल्सो टेलिंग दैट देर इज ओनली वन सुप्रीम लॉर्ड. इट इज नॉट टेलिंग दैट देर आर मल्टीपल सुप्रीम लॉर्ड, मल्टीपल भगवान है, ऐसा नहीं बोल रहा है, वेदास भी नहीं बोल रहा है. सो आई विल सी एट द एंड ऑफ टूडेज डिस्कशन दैट हु इज द सुप्रीम लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द वेदिक लिटरेचर. सो भगवान एक है. दूसरा चीज है कि ओबे गॉड्स लॉज एंड नो मोर सिन, पाप कार्य से दूर रहने के लिए बताया जा रहा है मेजर मेजर रिलीजियंस में. वो बाइबल में भी है, वो कुरान में भी है, और वो वेदास में भी है कि पाप से दूर रहने के लिए. और भगवान जो नियम बताया है उसके अनुसार जीवन यापन करने के लिए. थर्ड इज सैक्रिफाइस मटेरियल एंजॉयमेंट एंड रिटर्न टू गॉड. सो भगवान का धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के लिए, सभी धर्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लौट जाने के लिए सभी धर्म बता रहा है. द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द एबोड ऑफ गॉड, भगवान का धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो मेजर जो रिलीजियंस है इस दुनिया का, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हुआ, चाहे वो इस्लाम हुआ, चाहे वो हिंदुइज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, तो मेटेरियल एंजॉयमेंट को सैक्रिफाइस करने बोल रहे हैं. और भगवान के पास लौट जाने के लिए बता रहा है. एंड द फोर्थ थिंग इज चैंट द होली नेम्स ऑफ गॉड, भगवान का नाम जप करने के लिए मेजर रिलीजियंस बोल रहा है, भगवान का नाम लेने के लिए. क्रिश्चियनिटी में भी है रोजारी बीड में चैंटिंग करना 19, और जो इस्लाम में भी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह इज ऑल्सो देयर, एंड द सनातन धर्म इज टॉकिंग अबाउट द चैंटिंग ऑफ डिफरेंट ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड, विशेष करके जो हरे कृष्ण महामंत्र है इस कलयुग में, द चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये जो चार चीज है ये कॉमन है मेजर मेजर सभी मेजर रिलीजियंस में. अनफॉर्चुनेटली ये चीजें को इस दुनिया में हाईलाइट नहीं किया जाता है. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस वर्ल्ड अबाउट रिलीजियन. लोग सोचता है कि धर्म एक प्रॉब्लम है. नो, रिलीजन इज अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, बट अनफॉर्चुनेटली पीपुल मेक दिस नैरेटिव दैट रिलीजन इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अल्टीमेट प्रॉब्लम, लाइक दैट दे मेक द नैरेटिव. जो शास्त्र है, चाहे वो वैदिक शास्त्र हुआ, चाहे वो बाइबल हुआ, चाहे कुरान हुआ, वो मनुष्य को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाया गया है, दिया गया है भगवान द्वारा, बनाया नहीं गया है, भगवान द्वारा दिया गया है. तो वो शास्त्र को हम लोगों को जीवन में जानना चाहिए. लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि रिलीजियन इज अ प्रॉब्लम, रिलीजियन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट दैट इज अ ग्रेट मिसकॉन्सेप्शन. नो, अभी प्रश्न ये है कि भगवान अगर एक है तो भगवान ने इतना सारा रिलीजियन क्यों बना दिया फिर? तो जैसे हम एग्जाम्पल एक बताएंगे, जस्ट लाइक दिस स्मॉल किड, इफ यू टेल हिम द 2-5, व्हाट इज 2-5, यू विल बी कंफ्यूज्ड.
But a class 5 student will be able to answer 2 minus 5 is equal to minus 3, right? So similarly, a college student will be able to answer calculus. But if a class 5 student is given calculus, he will not be able to understand. So these are different levels of mathematics. Different level of mathematics is given to different level of students according to their level. So the same principle applies to religion also. तो different level में जो व्यक्ति है उसको different level में देना चाहिए और इसीलिए भगवान ने इतना धर्म को कलयुग में इस युग में क्रिएट किया है. प्रीवियस युग में सत्य युग में त्रेता युग में और द्वापर युग में एक ही धर्म था, सारा विश्व में एक ही धर्म था, वो है वैदिक रिलीजन. बट इन कलयुगा अदर रिलीजियंस ऑल्सो केम अप लाइक क्रिश्चियनिटी लाइक इस्लाम सिखिज्म. सो पर्टिकुलर पर्पस के लिए और पर्टिकुलर लेवल ऑफ पीपल के लिए वो दिया गया. तो जीसस क्राइस्ट खुद बोला कि देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट हियर इट नाउ. सो जीसस क्राइस्ट या फिर प्रॉफेट मोहम्मद जिन लोगों को प्रचार किया भगवान के बारे में बताया, they were so degraded at that time that they, if one went to tell the entire Vedic literature or the Bhagavad Gita teachings or the Vedic teachings, तो वो लोग ले नहीं पाता उस चीज को. कोई आदमी जो सारा दिन दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, उसको कोई अगर भगवत गीता का बारे में बोलने जाएगा तो वो समझेगा क्या? वो तो पूरा रिजेक्ट कर देगा ना. यू विल टेल दैट व्हाट यू आर टेलिंग. सो पहले उसको थोड़ा सा मॉरल टीचिंग्स देना चाहिए कि दिन रात दारू मत पियो, दिन रात गांजा मत पियो. तो धीरे धीरे वो एलिवेटेड होगा तो एक समय पे वो भगवत गीता को समझ पाएगा. सो द पर्सन द पीपल हुम जीसस क्राइस्ट और प्रॉफेट मोहम्मद प्रीच्ड दे आर सो डिग्रेडेड, सो मच डिग्रेडेड. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफेट मोहम्मद को बोलना पड़ा कि एटलीस्ट डोंट हैव सेक्स विथ मदर्स विथ योर मदर्स एंड सिस्टर्स. दे आर सो डिग्रेडेड. तो वो जरूरी हो गए. जीसस क्राइस्ट बोल रहा है कि हम चाहते तो और भी तुमको तुम लोगों को बहुत कुछ बता सकता हूं भगवान के बारे में और वैदिक ट्रूथ्स के बारे में, लेकिन आप उसको अभी ले नहीं पाएंगे. तुम लोग वो चीज ले नहीं पाओगे. ये जीसस क्राइस्ट उनके शिष्य को बोल रहा है. तो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी भविष्य पुराण में दिया हुआ है, प्रॉफेट मोहम्मद के भी बारे में अथर्ववेद में दिया हुआ है. सो बुद्धा बुद्धिस्ट ऑल्सो अनदर रिलीजन. सो बुद्ध को भगवान का एक इनकार्नेशन या फिर कहा जाए तो अवतार माना जाता है और वो सच भी है. तो बुद्धा क्यों आया था, उनका पर्पस क्या था? वेदों का नाम पे जो रैम्पेंट एनिमल किलिंग हो रहा था, वेद का हवाला देके जो पशु हत्या हो रहा था बहुत ही ज्यादा संख्या में, तो इसको रोकने के लिए बुद्ध आया था. तो बुद्ध मेनली मॉरल टीचिंग्स दिया, वैदिक टीचिंग्स नहीं दिया बुद्ध ने. वेद के बारे में कुछ नहीं बोला बुद्ध ने, मॉरल टीचिंग्स दिया कि जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए. बेसिक मॉरल टीचिंग्स ओनली बुद्ध के. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस आया तो उसके लिए एक पर्पस था. सो नाउ लेट अस सी व्हाट द वैदिक सनातन धर्म इज टेलिंग. तो श्रीमद् भागवतम जो सभी वेदों का सार है, तो श्रीमद् भागवतम बोल रहा है कि
That religion which teaches one love of God, which is unmotivated and uninterrupted, is the topmost religion. और भगवत गीता में जो 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बोला, so भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण बोल रहा है, आई शैल नाउ डिक्लेयर अन टू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नोमिनल बाय नोइंग व्हिच देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अपमयम। तो भगवत गीता का नॉलेज, श्रीमद् भागवतम का नॉलेज, जो वेद का सार है, वो अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज। यार इन भगवत गीता इट इज क्लियरली मेंशन्ड, नथिंग फर्दर टू बी नोन, देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन। राज विद्या, अल्टीमेट सुप्रीम नॉलेज। सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल, द डिफरेंट रिलीजियंस आर गिविंग सिमिलर मैसेजेस रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर थिंग। सो व्हाट इज इस्लाम टेलिंग अबाउट मीट ईटिंग, दैट ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सैक्रिफाइस। सो इस्लाम इज रिस्ट्रिक्टिंग meat eating. Similarly, if we see Christianity also, Christianity, the Roman Catholics take meat every day except Friday. So Friday meat lena nahi chahiye, aisa Roman Catholics ka udhar pe system hai. To dekhiye ki major religions mein ye jo cheez hai meat eating ke regarding restriction hai, aur jo sanatan dharma hai वो सनातन धर्म बोल रहा है कि मीट ईटिंग इज ए पिलर ऑफ सिनफुल लाइफ एंड ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन अंटिल वी शो मर्सी टुवर्ड्स ऑल गॉड्स क्रिएचर्स। तो जो मीट ईटिंग है, मांसाहार है, वो एक पिलर है, अधर्म का पिलर है, ये सनातन धर्म बोल रहा है। सो देखिए रेस्ट्रिक्शन, किस चीज में रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, जो चीज में कोई प्रॉब्लम है उसी में रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, है कि नहीं? जिस चीज में प्रॉब्लम नहीं है वो चीज को तो मतलब अनलिमिटेडली करना चाहिए, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन रखना नहीं चाहिए, है कि नहीं? सो द डिफरेंट रिलीजियंस इज गिविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस थिंग मीट ईटिंग। सो सिमिलर मैसेज इज देयर बट टू डिफरेंट डिग्री, मीट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस, चेतना के अनुसार डिफरेंट लेवल ऑफ व्यक्ति के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन सेम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट लेवल में। And the message is the same. So, the religions, like for example, the Bible. Bible bol raha hai ki God is great, God is love, God is almighty. Bible bol raha hai. Lekin, Bible ye nahi bol raha hai ki how God is greatest, how God is the strongest, how God is most knowledgeable, how God gives love to his devotees, ये सब चीजें बाइबल में नहीं बोला गया है। बाइबल बोल रहा है कि भगवान सब कुछ क्रिएट किया है। God said, let there be light, there was light. God said, let there be earth, and there was earth. भगवान का इच्छा से, भगवान का सिर्फ इच्छा मात्र से सब कुछ क्रिएट हो जाता है। सब कुछ का अल्टीमेट क्रिएटर भगवान है, गॉड है, ये बाइबल बोल रहा है। वैदिक रिलीजन सनातन धर्म भी बोल रहा है, इस्लाम भी बोल रहा है, भगवान सब कुछ का अल्टीमेट क्रिएटर है, भगवान सब कुछ का मालिक है, सभी धर्म में ये बोला गया है। लेकिन
how God created, that is not stated in Bible and Quran. लेकिन श्रीमद् भागवतम जो सभी वेदों का सार है, वो श्रीमद् भागवतम बता रहा है कि कैसे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, कैसे जीवात्माओं का लाइफ का सृष्टि हुआ इस ब्रह्मांड में, एग्जैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। भगवान ने कैसे इस दुनिया को क्रिएट किया, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। This is also a part of the Vedic literature and it is the essence of all Vedic literature. Sabhi Vedon ka saar, sabhi Vedon ka ultimate uddeshya is Srimad Bhagavatam mein hai. Abhi Bhagwan ke dham ke baare mein, spiritual world ke baare mein bhi different religion bata raha hai ye cheez. Aisa nahi hai ki spiritual world या फिर आध्यात्मिक जगत जो है वो सिर्फ भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, नहीं, बाइबल में भी है। हियर इज द प्रूफ, रेवलेशन 22.5। सो हियर इट इज स्टेटेड एंड देयर शैल बी नो नाइट देयर एंड देयर एंड दे नीड नो कैंडल नाइदर लाइट ऑफ द सन फॉर द लॉर्ड गिवेथ देम लाइट and they shall reign forever and ever. The spiritual world ko illuminate karne ke liye, spiritual world ko roshni dene ke liye, koi external light ka jarurat nahi hota hai. Jaise wo Bhagavad Gita bata raha hai, similar cheez dekhiye, Bible bhi bata raha hai. Aur spiritual world mein jane par, wapas jane par, वो लाइफ एटर्नल है उधर, वहां पे कोई जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है। ये भी देखिए यहाँ पे प्रूफ है उसका, बाइबल भी बता रहा है वो चीज, दे शैल रेन फॉर एवर एंड एवर, वहां पे कोई चीज का खत्म ही नहीं होता है, कोई आदमी का मृत्यु ही नहीं होता है उधर पे। भगवत धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सो Similarly, in Quran also, it is stated, every soul will have taste of death, means in this world. Mrityu anivari hai is duniya mein. The life of this world is but comfort of illusion. But those who keep their duty to their Lord, for them are gardens underneath which rivers flow, wherein they will be safe forever. देखिए यहां पर भी सेफ फॉर एवर, मतलब कि वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, इटर्नल लाइफ है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इंडिकेट कर रहा है कुरान में। सो सिख में भी अगर गुरु ग्रंथ साहिब को देखा जाए तो राग गौर गौर अरेई महला 5 अष्टपादिया 4 में ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है, किंगडम ऑफ गॉड का डिस्क्रिप्शन है, भगवान का धाम का डिस्क्रिप्शन है सिख रिलीजियन में। और सनातन धर्म में तो है ही, भगवान का धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है ब्रह्म संहिता में, जहां पे भगवान का धाम गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गोलोक वृंदावन प्लैनेट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लैनेट है, उस प्लैनेट का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ब्रह्म संहिता में। तो सनातन धर्म है चेंबर्स डिक्शनरी जैसा, वहां पे भगवान का जैसे चेंबर्स डिक्शनरी में इंग्लिश का हर एक शब्द होना चाहिए, इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है जो चेंबर्स डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन पॉकेट डिक्शनरी में क्या मेन मेन शब्द है सिर्फ। सो सिमिलरली द सनातन धर्म, ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड, सब कुछ का डिटेल्स है। लेकिन इतना डिटेल्स में बाइबल और कुरान में नहीं है। बाइबल और कुरान में जो बेसिक चीज है, जैसे कि पॉकेट डिक्शनरी में जो बेसिक इंग्लिश का वर्ड्स है वो जैसे रहता है, सिमिलरली जो बेसिक नॉलेज है भगवान का वो है बाइबल और कुरान में। तो ये है सिमिलरिटी और यह है डिफरेंस।
सो नाउ अभी क्वेश्चन है, हु इज गॉड? तो गॉड का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो जीसस ने अपने आप को भगवान का पुत्र बताया, सॉन ऑफ गॉड, क्राइस्ट इज गॉड। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट, लेकिन हु इज क्राइस्ट? क्राइस्ट मतलब गॉड है, और जीसस अपने आप को क्राइस्ट का बेटा बोला है, अपने आप को भगवान नहीं बोला है जीसस ने। प्रॉफेट मोहम्मद भी अपने आप को मैसेंजर ऑफ अल्लाह बोला है, अल्लाह मतलब भगवान, सेम गॉड, तो मैसेंजर बोला है अल्लाह का। ऐसा नहीं कि प्रॉफेट मोहम्मद अपने आप को अल्लाह बोला है, नहीं। बट इन भगवत गीता कृष्ण डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी गॉड। कृष्ण क्लियरली टेल्स, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमानेट्स फ्रॉम मी। सो शास्त्र के अनुसार हम लोग को देखना है। कुरान भी शास्त्र है, भगवत गीता भी शास्त्र है, बाइबल भी शास्त्र है, एंड भगवत गीता क्लियरली कृष्ण इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज गॉड। इस दुनिया में बहुत लोग अपने आप को शायद भगवान बोल सकता है, हम भी अगर क्लेम करें हम भगवान है, कैन आई प्रूव दैट? आई कैन नॉट प्रूव दैट। सो क्लेम करने से नहीं होगा सिर्फ। कृष्णा नॉट ओनली क्लेम्ड हिमसेल्फ एज गॉड, नॉट ओनली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गॉड, बट ही शोड हिज यूनिवर्सल फॉर्म इन भगवद गीता, वी सी दैट। हम अगर अपने आप को भगवान बोल रहे हैं तो मेरे को भी दिखाना चाहिए अपना यूनिवर्सल फॉर्म, वो तो नहीं दिखा पाएंगे ना। जन्माद्यस्य यत, भगवान मींस वन फ्रॉम हुम एवरीथिंग इमेनेट, सब कुछ का सोर्स जो है। तो क्राइस्ट और कृष्णा इस दो वर्ड में सिमिलरिटी है। क्राइस्ट जो बाइबल के अनुसार जो भगवान का नाम है क्राइस्ट, वो ग्रीक वर्जन ऑफ द वर्ड क्रिस्ट से आया है, और वो क्रिस्ट वो संस्कृत में वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, कृष्णा, कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। सो एक सिमिलरिटी है क्राइस्ट और कृष्ण में। सो वी मे कॉल गॉड बाय डिफरेंट नेम्स, बट द सुप्रीम लॉर्ड इज वन। अब कोई बोल सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति नहीं है, मुस्लिम लोग जनरली बोलता है, लेकिन देखिए उन्हीं लोगों का शास्त्र में है कि भगवान का हैंड्स है, भगवान का फेस है, ये सब दिया हुआ है, भगवान का थ्रोन सब दिया हुआ है। तो कैसे इम्पर्सनल बोल देता है भगवान को खुद, जो उन्हीं का शास्त्र, इस्लाम का जो शास्त्र है कुरान, उसी में चीजें दिया हुआ है। अल्लाह हैज फॉर्म, अल्लाह और सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट फॉर्मलेस, भगवान फॉर्मलेस नहीं है, निराकार नहीं है, वो एक व्यक्ति है, पर्सन, सुप्रीम पर्सन। तो भगवान का जो डेफिनेशन है पुराण के अनुसार, जो वैदिक लिटरेचर का पुराण है, पुराण के अनुसार जो भगवान का डेफिनेशन है, भगवान वो व्यक्ति है जिनमें छह चीजें अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है, और वो छह चीजें क्या क्या है, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, वेल्थ, फेम एंड रिनाउंसिएशन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ब्यूटी, अभी ये डेफिनेशन ऑफ भगवान है, तो भगवान वो व्यक्ति जिसमें ये छह चीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और वैदिक लिटरेचर बोल रहा है भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है। श्रीमद भागवतम क्लियरली ये बोल रहा है, एते चांसो कलापुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। सो कृष्णा हैज ऑल दिस सिक्स ऑपुलेंसेस इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, वेल्थ, फेम, रिनाउंसिएशन। ये छह चीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में है कृष्ण में। ब्यूटी, कृष्णा वॉज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन वॉज अट्रैक्टेड टू कृष्णा, हिज ब्यूटी, अनलिमिटेड ब्यूटी, सभी ब्यूटी का, सभी सौंदर्य का सोर्स है भगवान कृष्णा। ऑल स्ट्रेंथ, भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा दिया जब बच्चा था, सोचिए कोई कर पाएगा इतना बड़ा चीज। ऑल स्ट्रेंथ, भगवान सभी स्ट्रेंथ का सोर्स है,
तो भगवान के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ऑल वेल्थ। कृष्ण सब कुछ धन संपत्ति का मालिक है। द्वारका में भगवान का 16,108 रानियां थे और 16,108 रानियों का 16,108 पैलेसेस थे और सब पैलेसेस बहुत ही प्रीसियस ज्वेल्स और स्टोन से बना हुआ था। सो ऑल वेल्थ, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ भगवान, इसलिए भगवान है, समस्त ऐश्वर्य का मालिक है। ऑल नॉलेज, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, जो वैदिक नॉलेज आया है भगवान से आया है, कृष्ण से आया है। और भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है अर्जुन को और हम लोगों को भी। सो सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, ही हैज अनलिमिटेड नॉलेज। सो कृष्णा, देन वी सी आफ्टर नॉलेज देर इज फेम। सो कृष्णा ने माखन चोरी किया था और जब माखन चोरी किया भगवान ने, आज तक भी उनका माखन चोर का रूप में पूजा किया जाता है। तो हम लोग अगर माखन चोरी करे तो क्या हम लोग पूजा करेगा? कोई नहीं करेगा। सो कृष्णा इज वर्शिप्ड एज माखन चोर स्टिल नाउ, 5000 इयर्स पार हो गया है। सो एंड द लास्ट रिनाउंसिएशन, मतलब त्याग। कृष्णा भगवान है लेकिन उनमें कोई अहंकार नहीं है। कृष्णा अपना भक्त अर्जुन का सारथी बन गया और भगवत गीता में और कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में जब किसी को डायरेक्शन, सारथी को डायरेक्शन दिखाना रहता था तो लात मार के डायरेक्शन दिखाया जाता था। राइट साइड में लात मारना है तो राइट साइड में जाना है रथ लेके, लेफ्ट साइड में मारना है तो लेफ्ट साइड में। तो भगवान कृष्णा अर्जुन का लात खाने के लिए भी तैयार था, सोचिए। सो कृष्णा, ही कैन गिव एवरीथिंग इन ए मोमेंट, ही कैन गिव अप एवरीथिंग। यद्यपि भगवान है फिर भी सब कुछ त्याग दे सकता है, अल्टीमेट अनलिमिटेड रिनाउंसिएशन। सो दिस सिक्स ऑपुलेंसेस आर देयर इन कृष्णा एंड दैट इज व्हाई इज सुप्रीम लॉर्ड। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णा हु इज नोन एज गोविंदा इज द सुप्रीम गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ही हैज एन इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, ही हैज नो अदर ओरिजिन एंड ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो सभी कॉज, सभी कारणों का कारण है भगवान श्री कृष्णा। सो कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सो वैदिक लिटरेचर इस चीज को क्लियरली बता रहा है। सो यहीं पे हम विराम देंगे। तो आज को हम लोग डिफरेंट रिलीजियन के बारे में देखे और भगवान कौन है उसके बारे में भी हम लोग जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।